हेलो, गुड इवनिंग। मैं पवन राव, यूट्यूब चैनल मैथ्स विद पवन राव में आज आप लोगों को, जैसा पता है कि मैं आपको थोड़े से अच्छे लेवल के क्वेश्चंस करवाने वाला हूँ, तो कंप्लीट ध्यान बोर्ड पर ही रखना। अगर आपका ध्यान थोड़ा सा भी इधर उधर हुआ तो पता नहीं कहाँ से कौन सा एंगल कैसे आ जाएगा, आप लोगों के समझ में नहीं आएगा। इसलिए कल का आपको पता है मैंने आसान आसान क्वेश्चन, बेसिक क्वेश्चंस करवाए थे जो आपको आसानी से समझ में भी आ गए होंगे या आपने कर लिए थे। कल इवनिंग में आपको क्वेश्चंस मिल गए होंगे, मेरा जो टेलीग्राम का लिंक है उस पर आपको क्वेश्चंस मिल जाते हैं। कल शाम को ही आज का जो मैं अभी करवाने वाला हूँ 15 क्वेश्चंस, वो कल शाम को ही मैंने टेलीग्राम के लिंक पर डाल दिए थे। तो टेलीग्राम का लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, वहाँ से आप लोग उसको ढूंढिए, मिलेगा आपको, 100% मिलेगा। और वहाँ से आप लोग क्वेश्चंस हमेशा आगे वाले, जैसे कल का जो अपना क्वेश्चंस होंगे उनके एक दिन पहले ही मैं क्वेश्चंस डाल देता हूँ ताकि आप लोग पहले खुद प्रैक्टिस करो। तो आज की क्लास में थोड़े से अच्छे लेवल के क्वेश्चंस होंगे, शुरुआत करेंगे थोड़ा सा आसान से, धीरे 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 थोड़ा हम लोग आगे की तरफ लेकर जाएंगे। तो कोशिश करना समझने की और कंप्लीट ध्यान रखना बोर्ड पर। थोड़े से एडवांस लेवल के क्वेश्चंस हैं, मैं आपको तीन टाइप से पढ़ाता हूँ। पहले थ्योरी मैंने कंप्लीट करवा दी है, अगर कोई स्टूडेंट फर्स्ट टाइम इस यूट्यूब चैनल पर आया है तो जो 33 लेसन मैं पहले डाल चुका हूँ उनको आप लोग देखिए, नहीं तो आज की क्लास में कुछ समझ में नहीं आएगा। और आज एक 10, 5, 7 मिनट देखकर इस यूट्यूब चैनल से हमेशा के लिए गायब हो जाओगे। और अगर पहले 6 या 7 लेसन अगर शुरुआत वाले देख लिए, अगर ज़बरदस्ती आपने 5 या 6 लेसन देख लिया आपने, तो मैं गारंटी देता हूँ कि आपको ज्योमेट्री कंप्लीट समझ में आएगी, आपको एक आदत हो जाएगी ये लेक्चर सुनने की और आप लोग कंप्लीट सारे के सारे लेसन मेरे देखोगे। तो शुरुआत करना फर्स्ट लेसन से और धीरे धीरे आगे बढ़ना। तो आज हम लोग थोड़े से अच्छे क्वेश्चंस करेंगे और ये आपको पता है कि पहले दिन हम लोग आसान क्वेश्चन, दूसरे दिन थोड़े से टफ क्वेश्चन और तीसरे दिन SSC और CDS और अदर एग्जाम्स में आए हुए क्वेश्चंस करते हैं। ये तीन, पहले दिन, दूसरे दिन, तीसरे दिन, चौथे दिन फिर से वही रिपीट होगा आसान, पांचवें दिन फिर से टफ क्वेश्चन, छठे दिन फिर से रिपीटेड क्वेश्चन, आए हुए क्वेश्चंस, जिससे SSC कभी बेसिक से पूछे तो फर्स्ट टाइप के क्वेश्चंस हम कर रहे हैं, कभी एडवांस लेवल के पूछे तो सेकंड कर रहे हैं, और अगर प्रीवियस ईयर्स के दे तो तीसरा हम लोग कर रहे हैं। पूरा हम लोग कंप्लीट लेकर चलेंगे, ऐसा नहीं है कि जो पिछले साल के कर लो पास हो जाओगे, आजकल SSC में कुछ नहीं है। तो सबसे पहले आपके सामने पहले तो मैं क्वेश्चंस दे चुका हूँ, फिर भी अगर कोई स्टूडेंट चाहता है कि सर बोर्ड पर क्वेश्चन आए, तो पहला क्वेश्चन आपके सामने ये रहा, आप लोग इसको पढ़िए, साथ साथ मैं भी पढ़ता चलता हूं। इन अ ट्रायंगल एबीसी, एबी प्लस बीसी इक्वल्स टू 22 सेंटीमीटर, ए पॉइंट पी इज प्लेस्ड ओवर एसी, इफ एसी इक्वल्स टू 12, कैलकुलेट द स्मॉलेस्ट इंटीजर वैल्यू ऑफ बीपी। हिंदी मीडियम वालों के लिए भी मैं पढ़ देता हूँ। त्रिभुज एबीसी में दो साइड्स का सम 22 सेंटीमीटर दिया हुआ है, पी भुजा बीसी पर AC पर स्थित है, यदि AC इक्वल्स टू 12 सेंटीमीटर, तो BP की न्यूनतम लंबाई पूर्णांक में क्या होगी, इंटीजर में क्या होगी, ऐसा हम लोगों से पूछा गया है। तो आइए हम लोग सोल्व करते हैं। यहाँ पर अपने पास इस प्रकार से एक ट्रायंगल AB और C, ये ट्रायंगल अपने पास A, दूसरा अपने पास B है और ये अपने पास C है। एक ट्रायंगल ABC में यहाँ से इसके ऊपर कोई भी पॉइंट P स्थित है और BP की न्यूनतम लंबाई हम लोगों से पूछी गई कि मिनिमम लेंथ बताइए, और हमें दिया हुआ क्या था बोर्ड पर, जो लिखा था वो AB प्लस BC की जो लेंथ दी हुई है वो तो दी हुई है 22 एंड AC की लेंथ दी हुई है 12 सेंटीमीटर। देन BP की हम लोगों को मिनिमम लेंथ हम लोगों को पूछी गई है कि व्हाट इज़ द मिनिमम लेंथ ऑफ BP इन द इंटीजर, ऐसा हम लोगों से बोला गया है। तो कैसे कर पाएंगे हम लोग, ध्यान देना थोड़ा सा बोर्ड पर। ये अपने पास मान लीजिए सी है, ये मान लीजिए ए है, और ये इसको एम मान लेता हूँ मैं, इसको एन, और इसकी लेंथ जो निकालनी है उसको एक बार एक्स, बार बार बीपी ऐसे बड़ा लिखने के बजाय एक बार एक्स मान लेता हूँ। कुछ लोगों के दिमाग में ऐसे आएगा कि सर हम लोग यहाँ से मिनिमम लेंथ पूछिए मतलब एल्टीट्यूड निकाल लें, लेकिन मैं बता चुका हूँ कि जो आप लोग पढ़ चुके हो ना उससे थोड़े से एडवांस लेवल के क्वेश्चंस हैं, और ये इस टाइप के कॉन्सेप्ट आपने ना तो किसी बुक में देखे हैं अभी तक, मैं आप लोगों को पहले से बता रहा हूँ, और ना ही किसी ने आप लोगों को पढ़ाया होगा, और अगर पढ़ाया होगा इसका मतलब बहुत अच्छी बात है, वो फैकल्टी मतलब बहुत अच्छा आप लोगों को, बहुत स्टैंडर्ड का आपको पढ़ाया है। लेकिन अगर आपने ये कॉन्सेप्ट नहीं समझे और इन कॉन्सेप्ट पर बेस्ड, जो आज मैं कॉन्सेप्ट बता रहा हूं इन पर बेस्ड क्वेश्चंस आ सकते हैं, ये आप लोग ध्यान रखना। तो देखिए और ध्यान दो, चीज़ें वही होंगी जो मैं आपको थ्योरी में पढ़ा चुका हूँ उन्हीं पर बेस्ड क्वेश्चंस होंगे, लेकिन आप लोग तब तक उस थ्योरी को अप्लाई नहीं कर पाओगे जब तक प्रैक्टिस नहीं करोगे। थ्योरी देख ली, क्वेश्चंस में अप्लाई नहीं कर पाओगे मैं पहले से बता रहा हूँ।
आप लोग जैसे जैसे क्वेश्चंस में अगर अप्लाई करना सीखोगे, इन क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करोगे, मैं करवाते जाऊंगा, 2-3-4 बार करोगे तब आपके माइंड में अच्छे से सेट होगी। तो इन क्वेश्चंस को 3-4 बार किया करो आप लोग, है ना। देखिए मैंने कहा था पहली क्लास में बताया था क्या, दो साइड्स का सम हमेशा तीसरी से बड़ा और दो साइड्स का डिफरेंस हमेशा तीसरी से छोटा होता है, ऐसा एक बार आपको बताया था, क्या आपको याद है? क्या अगर याद है तो देखिए, इस ट्रायंगल की बात कर रहा हूँ मैं, बी ए पी की, दो साइड्स का सम हमेशा तीसरी से बड़ा और दो साइड का डिफरेंस हमेशा तीसरी से छोटा होगा। तो इन दोनों का डिफरेंस ट्रायंगल ए बी पी में सी माइनस एम छोटा होगा, अक्स अक्स से तो ये छोटा होगा और अक्स जो है वो सी प्लस एम से बड़ा होगा। दो साइड्स का सम हमेशा तीसरी से बड़ा और दो साइड का डिफरेंस हमेशा तीसरी से छोटा, ऐसा मैंने एक बार समझाया था, अगर आपको याद हो तो। ऐसे ही इस ट्रायंगल बी पी सी की बात करूं तो दो साइड्स का सम हमेशा तीसरी से बड़ा और दो साइड का डिफरेंस हमेशा तीसरी से छोटा होता है, ए माइनस एन छोटा होगा अक्स से तो यह, और ए प्लस एन से। आप लोग फर्स्ट और सेकंड दो इक्वेशन बन गई, दोनों को ऐड कर लीजिए, सी प्लस ए माइनस एम प्लस एन, इनको ऐड किया तो, इनको ऐड किया तो 2x, और इसको ऐड किया तो सी प्लस ए एम प्लस एन। सी प्लस ए की वैल्यू क्वेश्चन में गिवन है 22, इसकी जगह हम लोग 22 लिख सकते हैं, और ये अपने पास 12 है, 2x, और ये अपने पास 22 प्लस 12, इसकी लेंथ अपने पास 10, 2x, 34, आप लोग डिवाइड कर दीजिए 2 से तो ये आ जाएगा 5, ये आ जाएगा अपने पास x, और ये आ जाएगा 17। x की मिनिमम वैल्यू जो होगी वो 5 से बड़ी होगी, और हमारे पास 5.1 भी हो सकती है, 5.2 भी हो सकती है, 5.3 भी हो सकती है, लेकिन इसने कहा कि इंटीजर में बताओ, पूर्णांक में बताइए, तो पूर्णांक अपने पास कितना होगा, ऑप्शन में जो दिया हुआ है वो 6 दिया हुआ है, और यही अपना आंसर है। तो उससे जो आपने पढ़ा था अभी तक, उससे थोड़ा सा नेक्स्ट लेवल का क्वेश्चन है, एक बार फिर इस वीडियो को देखना और वापस समझने की कोशिश करना। तो आइए हम लोग चलते हैं दूसरे क्वेश्चन पर, और दूसरा क्वेश्चन आपके सामने बोर्ड पर ये रहा, और मैं पढ़ देता हूँ आपके लिए। ए पॉइंट ओ इज इनसाइड अ ट्रायंगल ए बी सी वेर ओ एक्वस टू ओ सी इक्वस टू ए बी एंड ए बी इक्वस टू 12x, ओ एक्वस ओ ए सी इक्वस टू 3x, ओ सी बी इक्वस टू 2x, कैलकुलेट द वैल्यू ऑफ एक्स। त्रिभुज ए बी सी के अंदर ओ एक बिंदु इस प्रकार से है कि ए बी बराबर ओ सी बराबर ओ ए, ये दिए हुए तीन एंगल 12x, 3x, 2x, देन फाइंड द वैल्यू ऑफ एक्स। देखो मैं समझाता हूँ आपको, कोशिश करना, अच्छे क्वेश्चन हैं, और आप लोग पहले से करने की कोशिश क्या करो, आपको हमेशा ज़्यादा समझ में आएगा। अगर आप लोग मेरे बताने से पहले करने की कोशिश करोगे हमेशा ज़्यादा समझ में आएगा, तो क्वेश्चंस को पहले करने की कोशिश क्या करो, ये बात ध्यान रखना। एक ट्रायंगल है ए बी सी, इसके अंदर एक पॉइंट है ओ, इसने कहा है इनसाइड एक पॉइंट है, हिंदी और इंग्लिश दोनों में लेकर चलेंगे, ए बी बराबर ए से बी तक बराबर है ओ सी और बराबर है ओ ए के, ओ ए बराबर ओ सी बराबर ए बी, ओ ए बराबर ये और ये बराबर हैं, इसको भी मिला दीजिए। इसने कहा है कि एंगल ए जो है वो अपने पास दिया हुआ है, एंगल ए बी सी, एंगल ए बी सी जो है ये हम लोगों को एंगल ए बी सी, ये वाला एंगल जो दिया हुआ है वो दिया हुआ है 12x, ए बी सी 12x है, ओ ए सी इक्वस टू 3x, ओ ए सी ये वाला जो एंगल दिया हुआ है हम लोगों को, ये दिया हुआ है 3x, ओ ए सी 3x दिया हुआ है। तो मुझे बताइए दोनों इक्वल हैं, और मैंने एक बार, अगर आपको याद हो तो एक बार मैंने समझाया था आपको कि दो साइड ट्रायंगल के इक्वल तो उसके सामने के एंगल भी इक्वल, ये दोनों बराबर हैं तो इसके सामने 3x है तो ये भी कितना होगा अपने पास 3x होगा, क्यों होगा, दो साइड बराबर सामने के एंगल बराबर, और ओ सी बी हम लोगों को दिया हुआ है 2x, ओ सी बी ये वाला एंगल हम लोगों को दिया हुआ है 2x, ये 2x दिया हुआ है। हम लोग क्या करेंगे, ये दोनों साइड इक्वल हैं तो इसके सामने वाला एंगल ये अगर अल्फा है, इसके सामने ये अल्फा है तो इसके सामने ये वाला एंगल भी अल्फा होगा, एक ट्रायंगल की दो साइड इक्वल तो सामने के कोण भी बराबर, ये साइड अल्फा है, ये एंगल अल्फा है, ये एंगल अल्फा है, तो मुझे बताइए ट्रायंगल का तीसरा एंगल जो बचा वो क्या अपने पास 180 माइनस 2 अल्फा हो गया, हाँ ना बताओ आप लोग, तीसरा जो एंगल है वो अपने पास हो गया 180 माइनस 2 अल्फा, ये वाला एंगल 180 माइनस 2 अल्फा, और एक ट्रायंगल के तीनों एंगल्स को ऐड करने पर 180 डिग्री आना चाहिए, ये आपको पता होगा, आप तीनों को ऐड कर दीजिए, ये पूरा एंगल 12x क्वेश्चन में गिवन है, ये दो और तीन 5x गिवन है,
ये वाला एंगल 180 माइनस टू अल्फा प्लस थ्री एक्स, 180 माइनस टू अल्फा प्लस थ्री एक्स इक्वल्स टू 180 डिग्री। 180 से 180 जब सोल्व करोगे कट जाएगा, 12 5 और 3 को ऐड करोगे तो इधर तो 20x आ गया और इधर आ गया 2α, तो अल्फा की जो वैल्यू आ गई वो अपने पास आ गई 10x। मुझे आप लोग ये बताइए, अल्फा की वैल्यू अगर अपने पास 10x आ गई, अल्फा की वैल्यू अगर अपने पास 10x है, अल्फा की वैल्यू अपने पास 10x है, अल्फा की वैल्यू 10x है अपने पास, अल्फा की वैल्यू 10x है, तो आप लोग मुझे ये बताइए, अल्फा की वैल्यू अगर 10x है तो क्या ये जो नीचे वाला अपने पास बचा, ध्यान देना आप लोग, दूसरे मार्कर से मैं दिखाता हूँ, ये जो दूसरा अपने पास बचा ये क्या अपने पास 2x बचा क्या? ये ऊपर वाला 10x है तो ये अपने पास कितना बचा 2x। और मुझे ये बताइए, ये भी अपने पास 2x है और ये भी 2x है, तो क्या ये और ये दोनों बराबर हो गए? तो क्या ये और ये बराबर हो गए तो क्या इक्विलेटरल ट्रायंगल बन गया है क्या? और इक्विलेटरल ट्रायंगल के तीनों एंगल्स का सम अपने पास त्रिभुज के तीनों कोणों का योग 180 डिग्री, और इक्विलेटरल ट्रायंगल अगर है तो आप लोगों को पता होगा कि प्रत्येक एंगल 60 डिग्री होता है, तो इसकी वैल्यू अगर 60 डिग्री है 10x बराबर 60 तो अक्स का मान कितने डिग्री आएगा? 6 डिग्री। यही हम लोगों से पूछा गया था, फाइंड द वैल्यू ऑफ अक्स, अगर आपने क्वेश्चन ध्यान से पढ़ा हो तो। एक बार फिर से देखिए, क्लास में मैं इस क्वेश्चन को दो बार समझाता हूँ, लेकिन आप लोग क्योंकि वीडियो में सबसे अच्छा फायदा ये है कि किसी भी क्वेश्चन को आप लोग दो बार खुद देख सकते हो रिवाइज़ करके, कुछ नहीं समझ में आया तो वापस देखिए, क्वेश्चंस अच्छे लेवल के चल रहे हैं और आप लोग तभी कर पाओगे जब आपके कॉन्सेप्ट बहुत अच्छे से क्लियर हों। अगले क्वेश्चन पर हम लोग चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 3 आपके सामने है जिसको आप लोग पढ़िए और मैं भी आपके लिए पढ़ता हूँ। इन द गिवन फिगर कैलकुलेट एंगल DOC, एक डायग्राम हमें दिया हुआ है और DOC दी गई आकृति में DOC आप लोग ज्ञात कीजिए, तो मैं आपके लिए डायग्राम बनाता हूँ। क्वेश्चन नंबर 3 हम लोग कर रहे हैं, ये इस प्रकार से है और इसके कॉन्सेप्ट अगर बहुत अच्छे से क्लियर अगर आपके हैं तो आप लोग कर पाओगे, अगर कॉन्सेप्ट्स क्लियर नहीं है इन क्वेश्चंस को आप लोग नहीं हिला पाओगे, ये बात आप लोग ध्यान रखना। ए बी सी और डी इस प्रकार से है, ये वाला जो अपने पास दिया हुआ है ये हमें दिया हुआ है डी, यहाँ से इसके दोनों डायगनल्स एक दूसरे को ऊपर मिलते हैं और इस कॉन्सेप्ट पर बेस्ड क्वेश्चंस जब अच्छे लेवल के क्वेश्चंस करते हो तो ये वाला जो कॉन्सेप्ट है इस पर बेस्ड क्वेश्चंस आते हैं, ये बात आप लोग ध्यान रखना यहाँ पर, और ये क्वेश्चंस नॉर्मली स्टूडेंट नहीं कर पाता, इधर ध्यान दीजिए, कॉन्सेप्ट समझिए। ये एंगल 52 डिग्री है, ये वाला जो एंगल है वो 64 डिग्री, जो क्वेश्चन में दिया हुआ है उसको मैं एक बार बोर्ड पर लिख रहा हूँ, ये अपने पास 48 डिग्री है तो ये अपने पास 66 डिग्री दिया हुआ है, और हमें पूछा है कि एंगल DOC ये वाला एंगल कितने डिग्री होगा, ऐसा हम लोगों से पूछा गया है। देखो, कोशिश करना सभी लोग समझने की, बहुत अच्छा और बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, और ऐसे क्वेश्चंस SSC में भी आ सकते हैं, अगर एडवांस लेवल के क्वेश्चंस आए तो इसी टाइप के क्वेश्चंस SSC में आएंगे, ये आप लोग ध्यान रखना। कैसे, देखिए, ये वाला एंगल 52 डिग्री है, ये वाला एंगल 64 डिग्री है। एक बात ध्यान रखना, जब मैंने आप लोगों को ट्राइंगल पढ़ाया था उस टाइम भी मैंने बताया था, एक बात ध्यान रखना, एक्सटीरियर एंगल बाइसेक्टर जिस पॉइंट पर मिलते हैं, ये याद रखो थ्योरी, और थ्योरी में भी मैंने बताया था एक्सटीरियर एंगल बाइसेक्टर जिस पॉइंट पर मिलते हैं, तो यहाँ से इस पॉइंट को अगर मिलाया जाए, यहाँ से इस पॉइंट को अगर मिला दिया जाए तो ये इस एंगल का एंगल बाइसेक्टर होता है। एक्सटीरियर एंगल बाइसेक्टर जिस पॉइंट पर मिलते हैं और इस पॉइंट ए बी सी ट्राइंगल में अगर बी व सी के एक्सटीरियर एंगल बाइसेक्टर पी पर मिले और ए व पी को अगर मिला दिया जाए तो ध्यान रखना ये इसका एंगल बाइसेक्टर होगा, ये बात ध्यान रखना आप लोग, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है और ये मैंने थ्योरी में तो समझा दिया है लेकिन इसको काम में तभी ले पाओगे जब इस पर बेस्ड एक दो क्वेश्चंस कर चुके होंगे आप लोग। तो देखिए, इसी पर बेस्ड ये वाला क्वेश्चन है, इसको आगे अगर बढ़ा दूँ मैं और इसको अगर आगे बढ़ा दिया जाए तो हमें ये पता है कि 66 और 48 का जो सम होगा वो 114 होगा, तो ये वाला एंगल जो बचा वो 66 डिग्री बचा, क्योंकि एक स्ट्रेट लाइन पर बना एंगल जो होता है वो 180 डिग्री होता है। आपने किया होगा क्वेश्चन और मुझे पता है कि 90% स्टूडेंट्स को ये वाला क्वेश्चन नहीं आया, तो आप लोग कोशिश करना समझने की, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। ऐसे ही इन दोनों को अगर आप लोग ऐड करोगे तो ये अपने पास आ जाएगा 116 और स्ट्रेट लाइन पर बना एंगल 180 तो ये आ गया 64 डिग्री। मुझे आप लोग ये बताइए, 48 है
ये 52 है, तो ये जो कंप्लीट एंगल बचा ट्रायंगल का तीसरा एंगल, ये 52 4800, तो त्रिभुज का तीसरा जो कोण बचा वो क्या अपने पास 80 डिग्री बचा गया। और ध्यान रखना ये 64, ये 64, तो एंगल बाइसेक्टर इस ट्रायंगल बी ए डी के लिए 64 64, एक्सटीरियर एंगल बाइसेक्टर, 66 66, एक्सटीरियर एंगल बाइसेक्टर। इस पॉइंट सी पर अगर मिलें तो ये जो यहाँ पर यहाँ से अगर इसको मिलाएं तो मैंने कहा है कि एंगल बाइसेक्टर होता है, तो ये कोण 80 था तो ये भी 40 होगा और ये भी कितने डिग्री होगा 40 डिग्री। ये अपने पास 48 और 66 को जब आपने ऐड किया तो 114 आ गया। 114 में अगर आप लोग त्रिभुज का तीसरा एंगल निकाल रहा हूँ मैं, ये वाला एंगल आपके लिए निकाल रहा हूँ, मुझे आप लोग ये बताइए 48 और 66 अगर आप लोग ऐड करोगे तो 114, और ये अगर 114 है उसमें 40 अगर ऐड करोगे तो 154 154, तो ये वाला जो एंगल बच गया वो अपने पास कितने डिग्री बच गया 26 डिग्री। और मुझे बताइए 66 और 26 डिग्री अगर अपने पास है तो क्या आप लोग त्रिभुज का तीसरा एंगल फाइंड आउट कर सकते होगे? वापिस समझ लेना, 48 और 66 अपने पास ऐड करोगे तो 114 114 में ये ऐड करोगे 40 तो 154, ये 154 बच गया, तो जो तीसरा जो एंगल बच गया वो कितने डिग्री बच गया 26 डिग्री। 26 डिग्री और 66 डिग्री आप लोग ऐड करोगे तो क्या त्रिभुज का आप लोग तीसरा एंगल फाइंड आउट कर सकते हो क्या? ये ऐड करोगे तो 92 आ जाएगा अपने पास, 92 अगर आ गया तो त्रिभुज का तीसरा एंगल बच गया 92, यानी कि अपने पास 88 डिग्री, क्योंकि तीनों का सम कितना डिग्री होता है 180 डिग्री। तो ये कॉन्सेप्ट आप लोग याद रखना, एक्सटीरियर एंगल बाइसेक्टर जहाँ पर मिलते हैं इस पॉइंट पर और ए को पी से मिला दिया जाए तो ये इस एंगल का एंगल बाइसेक्टर होता है, ये आप लोग ध्यान रखना। क्यों होता है थ्योरी में मैं बता चुका हूँ, नहीं याद तो अपने आप करने की कोशिश करो आप लोग। क्वेश्चन नंबर 4 आप लोग भी पढ़िए मैं भी पढ़ता हूँ। इन गिवन ट्रायंगल एबीसी ओ इज द ऑर्थो सेंटर, फाइंड एंगल ओ ए बी। ए बी सी में ओ जो है वो एक ऑर्थो सेंटर है, लंब केंद्र है, देन आपको एंगल ओ ए बी बताना है। कैसे हम लोग कर पाएंगे, कोशिश करना सभी लोग समझने की, मैं समझाता हूँ। ये इस प्रकार से है, एक ट्रायंगल ए बी और सी, ये एक ट्रायंगल अपने पास ए बी और सी, ये ए दिया हुआ है क्वेश्चन में, आपने पढ़ा होगा डायग्राम, देखा होगा, ये बी और ये सी, क्वेश्चन में डायग्राम भी गिवन है। ओ इज़ द ऑर्थो सेंटर, ओ ऑर्थो सेंटर, इसने ये मिलाया, जो डायग्राम क्वेश्चन में दिया हुआ है उसको मैं बना रहा हूँ आपके लिए, और ये दिया हुआ है, और ये हमें दिया हुआ है 40 डिग्री, और ये हम लोगों को दिया हुआ है, ये 40 है और ये हम लोगों को दिया हुआ है 30 डिग्री। देन फाइंड ट्राइंगल ओ ओ ए बी हम लोगों से पूछा है, एंगल ओ ए बी हम लोगों से पूछा है, ओ ए बी फाइंड आउट कीजिए। देखो ऑर्थो सेंटर पर बने एंगल, ऑर्थो सेंटर का जो क्वेश्चन है ना आप खूब सारे कर चुके होंगे, ऑर्थो सेंटर पर बना क्वेश्चन इस प्रकार से, ये 40 डिग्री है तो ओ पर बना एंगल बताओ चलो, और ऐसे क्वेश्चन आप लोग खूब सारे, 180 डिग्री माइनस से होता है क्योंकि हमें पता है ऑर्थो सेंटर पर बना एंगल 180 डिग्री माइनस ए, याद है क्या? इस टाइप के क्वेश्चंस आप लोग कर चुके हो, वैसे क्वेश्चंस मैं आपको नहीं करवा रहा हूँ, मैं थोड़े से एडवांस लेवल के क्वेश्चंस आपके लिए करवा रहा हूँ, तो ऑर्थो सेंटर पर ऐसे क्वेश्चंस भी बन सकते हैं, चलो कोशिश करो करने की। कल आपके पास क्वेश्चंस आ गए थे तो आपने कोशिश तो कर ली होगी, या वीडियो रोक कर आप लोग हमेशा, अगर मुझसे ज्योमेट्री पूरी पढ़नी है अच्छे से पढ़नी है और आपको लगता है सर मुझे एक बार में समझ में भी आए, तो अगर पहले नहीं किया या तो सुबह से उन क्वेश्चंस को करो, नहीं किया है तो वीडियो पॉज करके एक बार इन क्वेश्चंस को आप लोग किया करो। कैसे कर पाओगे चलो मैं समझाता हूँ। ये ऑर्थो सेंटर है, इसको आगे बढ़ाओ, इसको आगे बढ़ाओ, लंब केंद्र को आगे बढ़ाने पर ध्यान रखना जिस पॉइंट पर मिलते हैं वहाँ पर बना कोण 90 डिग्री, यहाँ पर बना कोण 90 डिग्री, और इसको भी आगे बढ़ा दो, ये कोण 90 डिग्री। मुझे बताइए ये कोण 90 है, ये 40 है, 90 40, इस ट्रायंगल की बात करूँ, इस पॉइंट को डी नाम दे दो, ए डी सी में 90 40, तो तीसरा 50 बचा, तो क्या 18 डिग्री होगा क्या? ठीक है, 90 32, तो क्या ये वाला जो एंगल है वो 58 डिग्री होगा क्या? हाँ ना, कुछ तो बोल दो आप लोग, 58 होगा क्योंकि त्रिभुज के तीनों कोणों का योग 180 डिग्री होता है। ये अगर 58 है तो मुझे बताओ क्या ये भी 58 होगा क्या? ये अगर 58 है, वर्टिकली अपोजिट एंगल, शीर्षाभिमुख कोण बराबर होते हैं, तो ये अगर 58 है तो ये भी 58 हुआ, 58 90, तो क्या तीसरा जो एंगल बच गया क्या 32 डिग्री बच गया क्या? ध्यान रखो बोर्ड पर कंप्लीट, क्योंकि जैसे जैसे हम लोग आगे बढ़ते जाएंगे क्वेश्चंस का स्टैंडर्ड अब बढ़ना शुरू होगा, इसलिए आप लोग कंप्लीट ध्यान अपना बोर्ड पर रखना अगर आपको बहुत अच्छे और बहुत लेवल के क्वेश्चंस अगर करने हैं तो।
ये एंगल 58 है, ये 32 है, मुझे ये बताओ ये पूरा एंगल 50 डिग्री था तो ऑर्थो सेंटर पर बना एंगल ये कंप्लीट एंगल, ये अगर 50 डिग्री है तो ऑर्थो सेंटर पर बना एंगल क्या 180 माइनस सी होता है, तो 180 माइनस सी कंप्लीट एंगल क्या 130 डिग्री का होगा क्या? ये 130 डिग्री है, ये 32 डिग्री है, तो क्या त्रिभुज का तीसरा एंगल आप लोग फाइंड आउट कर सकते हो क्या? 130 और 32 को ऐड करोगे तो 162 आ गया, 162 आ गया तो त्रिभुज का तीसरा कोण क्या 18 डिग्री बचा गया, तो ट्रायंगल का तीसरा जो एंगल आ गया वो अपने पास आ गया 18 डिग्री। ये अपना आंसर है। अगर किसी स्टूडेंट के थोड़ा कम समझ में आया है आप लोग वीडियो को पॉज करो और थोड़ा सा रिवाइज करो, वापस से उसको देखिए। क्लास में मैं दो दो बार समझा देता हूँ लेकिन यहाँ पर मैं आपको दो बार नहीं समझा रहा हूँ। वीडियो का फ़ायदा ये है कि आप लोग आसानी से इसको वापस से भी देख सकते हो। 90-40 गिवन है, 90-40 तो पूरा 50, 32 तो 18 तो पूरा 50, 90-32 तो तीसरा 58, वर्टिकली अपोजिट एंगल बराबर, ये 58 ये 90 तो ये 32, 50 है पूरा 130 होगा, 130 32 तो तीसरा एंगल 18 डिग्री, ये अपना आंसर है। तो क्वेश्चन नंबर फिफ्थ जो है वो आपके सामने बोर्ड पर है, उसको आप लोग पढ़िए। बड़ा सा क्वेश्चन है, क्वेश्चन बड़ा नहीं है, नीचे ऑप्शन आने के बाद थोड़ा बड़ा हो गया। इन गिवन ट्रायंगल एबीसी, ई एंड डी आर द इंटीरियर पॉइंट्स ऑफ एसी एंड बीसी रेस्पेक्टिवली, एएफ बाइसेक्ट सीएडी एंड बीएफ बाइसेक्ट सीबीई, व्हिच इज द करेक्ट ऑफ द फॉलोइंग अल्टरनेटिव्स। दिए गए ए बी सी में ई डी क्रम से ए सी व बी सी पर स्थित दो बिंदु हैं, ए एफ सी ए डी और बी एफ कोण सी बी ई का कोण समद्विभाजक है, तो निम्न में से कौन सा विकल्प ठीक है, ऐसा हम लोगों से पूछा गया है। कोशिश करना, क्वेश्चन मैंने पढ़ दिया आपके लिए, ये सारे नोट्स ऐसे कैसे जैसे मेरे पास हैं ऐसे कैसे आपको मैं लिंक पे दे चुका हूँ, टेलीग्राम के लिंक पर, वहाँ से आप लोग ले लीजिए। कल शाम को ही मैंने आपको प्रोवाइड करवा दिए थे अगर आपको मिल गए हैं तो। और इन क्वेश्चंस को आप लोग अपने फेसबुक पर, व्हाट्सएप पर, जहाँ पर भी शेयर कर सकते हो अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। इन क्वेश्चंस को आप लोग शेयर करते रहिए ताकि जिसको भी नीड होगी, जिसको ज्योमेट्री नहीं आती उसको मैं ज्योमेट्री सिखाने की कोशिश करूँगा। तो आप लोगों को इसीलिए मैंने दिए हैं ये क्वेश्चंस कि आप लोग शेयर भी करो ताकि स्टूडेंट्स को थोड़ा सा फ़ायदा हो। इसने कहा ई एसी पर और बीसी पर दो पॉइंट हैं, एसी पर कोई पॉइंट ई है और इस पर कोई पॉइंट डी है, ऐसा हम लोगों से कहा है और इसने इसको मिला दिया, ये और ये दोनों मिला दिए इसने, ठीक है। आगे इसने कहा है कि ए एफ जो है वो सी ए डी, सी ए डी का एंगल बाइसेक्टर ए एफ, ये इसका एंगल बाइसेक्टर है और इसका एंगल बाइसेक्टर ये बी एफ है, एंड कौन सा एंगल का, सी बी ई का, सी बी ई का एंगल बाइसेक्टर ये बी एफ है, देन निम्न में से कौन सा ठीक है। तो ऑप्शन आप लोग देखिए, जब भी ऐसा पूछे कि निम्न में से कौन सा ठीक है तो हम लोगों को ऑप्शन जो है वो साथ लेकर चलना पड़ेगा। तो कैसे कर पाएंगे हम क्वेश्चन को, ध्यान देना आप लोग बोर्ड पर, बहुत ज़्यादा आसान क्वेश्चन है। सभी ऑप्शन में एंगल ई और डी का सम है, एंगल ई और एंगल डी का सम है, बहुत ज़्यादा आसान है, कोशिश करना समझने की। ये देखो सी ए डी का एंगल बाइसेक्टर है तो ये वाला एंगल अगर ए है तो ये भी ए होगा, और ये इसका बाइसेक्टर है, सी बी ई का बाइसेक्टर बी एफ है, तो ये वाला एंगल अगर बी है तो ये वाला एंगल भी बी होगा। और आप लोग एक काम कीजिए, अलग अलग मार्कर से मैं दिखा रहा हूँ ताकि आपको थोड़ा सा सही समझ में आए। इस वाले एंगल को आप लोग सी मान लीजिए और इस वाले एंगल को मान लीजिए आप डी। तो इस ट्रायंगल ई ए बी की बात करूँ मैं, अगर एंगल ई ए बी की बात करूँ तो मुझे बताइए एंगल ए ई बी जो है, एंगल ए ई बी त्रिभुज का तीसरा कोण, त्रिभुज का तीसरा कोण ये वाला जो एंगल है वो क्या 180 माइनस टू ए माइनस सी माइनस डी होगा। त्रिभुज का तीसरा कोण ये वाला, ऐसे ही इस ट्रायंगल ए डी बी में त्रिभुज के तीनों कोणों का योग तो होता है 180 डिग्री, तो एंगल ए डी बी 180 डिग्री माइनस टू बी माइनस सी माइनस डी, इनको ऐड कर लीजिए आप लोग क्योंकि इन दोनों का सम ही दिया हुआ है सभी ऑप्शन में, तो ये अपने पास आएगा एंगल ए ई बी प्लस एंगल ए डी बी बराबर। इन दोनों को अगर आप लोग ऐड करोगे तो देखो दो बार 180 आ गया, दो बार ए आ गया, दो बार बी, दो बार सी, दो बार डी, तो दो अगर कॉमन ले लें तो अंदर बचेगा 180 माइनस ए प्लस बी प्लस सी प्लस डी, दो बार आ रहा है। तो मुझे बताइए इस वाला एंगल ये ए है,
ये सी है, ये बी है, ये डी है, इस एंगल एफ को त्रिभुज के तीनों कोणों का योग 180 डिग्री होना चाहिए। तो एंगल एफ को क्या आप लोग 180 माइनस ए माइनस बी माइनस सी और माइनस डी लिख सकते हो क्या? तो ध्यान रखना इसकी जगह ये जो है 180 माइनस ए माइनस बी माइनस सी माइनस डी, इसकी जगह आप लोग क्या लिख सकते हो? ये तो ऐसे कैसे ऑप्शन में, और इसकी जगह लिख सकते हो आप लोग ए एफ बी, और यही अपना ऑप्शन है, और ऑप्शन नंबर आप लोगों को ये मिलेगा थर्ड नंबर सी ऑप्शन, ये अपना आंसर है। अच्छा क्वेश्चन था, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था, और धीरे धीरे मैंने कहा है जैसे जैसे मैं आगे बढ़ते चलूँगा अपने क्वेश्चंस का स्टैंडर्ड और लेवल और बढ़ता जाएगा। नहीं समझ में आया, कम समझ में आया है, एक बार फिर से इस वीडियो को देखिए और वापस से इसको समझने की कोशिश कीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन 6 नंबर, बड़ा सा क्वेश्चन है, आपके सामने बोर्ड पर लिखा हुआ है, इसको आप लोग पढ़ लीजिए। ट्रायंगल एबीसी में बी का अंतः द्विभाजक तथा सी का बाह्य द्विभाजक डी पर मिलते हैं। डी से सीबी के समांतर एक रेखा जो एसी को एल पर और एबी को एम पर मिलती है। यदि समलंब चतुर्भुज एलसीएमबी में सीएल और एमबी क्रम से 5 और 7 हों तो एलएम की लंबाई क्या होगी, ऐसा हम लोगों से पूछा गया है। देखो एक ट्रायंगल है ए बी और सी, ये एक ट्रायंगल है ए बी और सी, इसने कहा एक तो बी का बाइसेक्टर और एक सी का बाइसेक्टर एक दूसरे को डी पर मिलते हैं, ऐसा सबसे पहले कहा है। क्वेश्चन आपके पास होगा भी, पढ़ भी लिया होगा, मैं पढ़ता चलता हूं। डी से सीबी के समांतर एक रेखा जो एसी को एल पर, इसके समांतर एक लाइन खींची जो एसी को मिल रही है एल पर, इसके पैरेलल लाइन खींची, ध्यान रखना ये पैरेलल लाइन खींची है, बीसी के पैरेलल एक लाइन खींची जो एसी को एल पर और एबी को एम पर मिलती है। इसने हम लोगों से कहा है CL और MB क्रम से, CL तो अपने पास दिया हुआ है 5 और MB दिया हुआ है 7, ये यहां से यहां तक अपने पास 5 है और ये अपने पास 7 दिया हुआ है। देन फाइंड द लेंथ ऑफ LM, LM की लंबाई हम लोगों से पूछी गई है। तो कैसे कर पाएंगे, ध्यान देना बोर्ड पर, यहाँ पर हमारा क्वेश्चन करने का तरीका जो होगा, इस क्वेश्चन को देखिए, ये एंगल बाइसेक्टर हैं तो ये कोण अगर थीटा है तो ये कोण भी थीटा होगा, और मैं आपको बोल चुका हूँ कि इस टाइप के क्वेश्चंस जब भी आपके सामने आए पहले आप लोग खुद करने की कोशिश किया करो ताकि आप लोग अच्छे से और जल्दी आप लोग उसको समझ पाओ। और ये वाला एंगल अगर अपने पास ये बाह्य बाइसेक्टर है तो ये वाला कोण अगर अपने पास मान लो एक्स है तो ये वाला कोण भी एक्स होगा। आप लोगों को मैं समझा चुका हूँ, दो लाइन अगर पैरेलल हों तो अल्टरनेट एंगल एकांतर कोण हमेशा बराबर होते हैं, और जो भी थ्योरी मैं आप लोगों को पढ़ा चुका हूँ उसको मैं साथ साथ आप लोगों को रिवाइज करवाते चलूँगा, आपको याद करवाते चलूँगा ताकि आपको अच्छे से और ज़्यादा समझ में आए। देखिए तो ये दोनों लाइन पैरेलल थी, ये कोण अगर थीटा है तो क्या अपने पास ये वाला कोण थीटा होगा क्या? ये थीटा है, ये थीटा एक ट्रायंगल के दो कोण बराबर हैं तो उसके सामने की साइड बराबर, इसके सामने ये यहाँ से यहाँ तक 7 क्वेश्चन में गिवन है तो यहाँ से यहाँ तक ये भी 7 होगा, थीटा थीटा सामने 7 तो ये भी 7 होगा। और इसको अगर मैं दूसरे मार्कर से दिखाऊं आपके लिए, ये वाला यहाँ से यहाँ तक, ये वाला मान लो एक्स है या वाई है तो ये भी एक्स होगा, और मैंने अभी भी बताया कि ऑल्टरनेट एंगल हमेशा बराबर, ये अगर एक्स है तो एक कम्प्लीट एंगल क्या एक्स होगा क्या? तो दो कोण बराबर, ट्रायंगल एल सी डी की बात कर रहा हूँ, ये एक्स है तो इस अक्ष के सामने ये 5 है, देखो क्वेश्चन में गिवन है ये 5, तो इस अक्ष के सामने यहाँ से यहाँ तक ये जो होगा, यहाँ से यहाँ तक ये ग्रीन से जो दिखाया है वो क्या 5 होगा क्या? टोटल 7 है, इधर वाला 5 है तो क्या इसकी लेंथ 2 बच गई क्या? 2 बच गई, ये अपना आंसर है। आसान क्वेश्चन था थोड़ा सा, आइए तो अगले क्वेश्चन पर चलते हैं हम लोग, नेक्स्ट क्वेश्चन पर। क्वेश्चन नंबर 7 आपके सामने बोर्ड पर लिखा हुआ है, एबीसी में ए का द्विभाजक बीसी को डी पर, इंग्लिश मीडियम वाले पढ़ लीजिए क्वेश्चन को, मैं हिंदी में पढ़ देता हूँ, डी पर काटता है, बी से लंब जो एडी को ई पर मिलता है, एसी के समांतर एक रेखा जो ई से गुजरती है बीसी को जी पर, एबी को एच पर काटती है, यदि एबी 26 बीसी इक्वस टू 28 एसी इक्वस टू 30 देन फाइंड द लेंथ ऑफ डीजी, तो डीजी की लंबाई आप लोग ज्ञात कीजिए। कोशिश करना समझने की, अच्छा और आसान क्वेश्चन। एक ट्रायंगल अपने पास ए बी और सी, समझाता हूँ मैं आपको और समझ में सभी को आ जाएगा, बस ध्यान रखना बोर्ड पर, और आपने खुद ने कर लिया होगा और आपको पता होगा कि क्वेश्चन किस स्टैंडर्ड का है।
आपने कोशिश कर ली होगी और आपको पता लग गया होगा कि क्वेश्चन किस स्टैंडर्ड का है। ए का द्विभाजक बी सी को डी पर काटता है। ए का जो द्विभाजक है ए इसका ए का एंगल बाइसेक्टर बी सी को काटता है डी पर। एंगल बाइसेक्टर कोण समद्विभाजक जो दिया हुआ है वैसे वैसे मैं साथ साथ लिखते चलता हूँ। इसका एंगल बाइसेक्टर इसको काट रहा है डी पर और बी से ए बी जो लंब ए डी को ई पर काटता है। बी से इस पर एक परपेंडिकुलर डाला जो इसको काट रहा है ई पर। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। जैसे जैसे वो बोलता जा रहा है वैसे वैसे डायग्राम तो बनाना पड़ेगा जिससे आपसे क्वेश्चन सोल्व होगा। ए सी के समांतर एक रेखा जो ई से गुजरती है डी सी को जी पर और ए बी को एच पर। यहाँ पर एक लाइन जो गुजरे इस प्रकार से इसके पैरेलल ए सी के पैरेलल और ई से पास होती हुई एक लाइन। अब मैं दूसरा मार्कर काम में लेता हूँ जिससे आपको थोड़ा सा सही और ज़्यादा समझ में आए। इसने कहा है कि ए बी को एच पर काटती है, ए बी को तो काटती है एच पर और डी सी को काटती है जी पर। ये एक पैरेलल लाइन जो इसको तो काट रही है जी पर, यहाँ इसको काट रही है जी पर और इसको काट रही है एच पर। और हम लोगों को जो लेंथ दी हुई है ये दी हुई है 26, ए बी की लेंथ 26, बी सी की लेंथ जो दी हुई है वो 28 दी हुई है 28, और ये जो दिया हुआ हम लोगों को ए सी की लेंथ दी हुई है 30। ये क्वेश्चन में दिया हुआ था, मैंने एक बार आपके लिए डायग्राम बनाया ताकि आपको सही और अच्छे से समझ में आए और इससे बहुत सारे कॉन्सेप्ट क्लियर होंगे। ध्यान रखना, थ्योरी पढ़ लोगे क्वेश्चंस में तब तक अप्लाई नहीं कर पाओगे जब तक थ्योरी पर आप लोग कम से कम 150-200 क्वेश्चंस नहीं कर चुके होंगे। थ्योरी कंप्लीट अच्छे से पढ़ो, 200-250-300 क्वेश्चन अच्छे से कर लो, उसके बाद जहां पर जो क्वेश्चन आपको दिखाई दे उसको आप लोग लगा दीजिए, क्वेश्चंस आपसे 99% हो जाएगा। तो आप लोग देखिए, अब इससे आपके बहुत सारे कॉन्सेप्ट क्लियर होंगे। अगर एक चीज़ आप लोग ध्यान रखना, यही तो एंगल बाइसेक्टर है। इसको मैं एक बार आगे बढ़ा दूं ताकि आपको सही समझ में आए। मुझे बताइए, यही तो एंगल बाइसेक्टर है, यही तो कोण समद्विभाजक है ये रहा, और यही एल्टीट्यूड है। अगर आप लोगों को याद हो एक ज़माने में मैंने आप लोगों को समझाया था, अगर वही लाइन तो एल्टीट्यूड हो और इस पर बेस्ड मैंने एक चीज़ आपको बताई थी कॉन्ग्रेंसी में, वही लाइन तो एल्टीट्यूड हो और वही लाइन अगर एंगल बाइसेक्टर हो तो वो आइसोसेलेस ट्रायंगल तो होगा ही होगा, अपने पास वो लाइन मीडियन का भी काम करेगी। तो एक बात ये ध्यान रखना, ये अपने पास यही लाइन तो एंगल बाइसेक्टर है और यही यहाँ पर एल्टीट्यूड है तो ये मीडियन का भी काम करेगी, यानी ई जो है इसका मिड पॉइंट है, और ये अगर 26 है तो यहाँ से यहाँ तक अगर पी तक मिले तो ये भी अपने पास 26 होगा। ये बात आप लोग सबसे पहले ध्यान रखना, वो 26 काम में आए नहीं आए लेकिन आप लोगों को याद रखना है कि जी ई तो मिड पॉइंट है। क्यों मिड पॉइंट है? वही लाइन तो एंगल बाइसेक्टर, वही लाइन अगर एल्टीट्यूड है तो वो मीडियन भी होगी और वो आइसोसेलेस ट्रायंगल होगा, ऐसा मैं आप लोगों को समझा चुका हूं। देखिए यहां पर कोशिश करना समझने की, अब ध्यान देना सभी लोग बोर्ड पर, ये अपने पास एंगल बाइसेक्टर सामने वाले साइड को उसी रेशियो में डिवाइड करता है जिस रेशियो में एंगल बनाने वाली साइड्स हैं। तो 26 और 30, तो क्या एंगल बनाने वाली जो साइड्स होंगी वो 13:15 में होनी चाहिए। एंगल बाइसेक्टर मैंने समझाया, पूरी कंप्लीट थ्योरी आप लोगों को समझाई है, एंगल बाइसेक्टर सामने वाले साइड को उसी रेशियो में डिवाइड करता है जिस रेशियो में एंगल बनाने वाली साइड्स हैं। तो 28 को 13 और 15 के रेशियो में बांटोगे तो 28 में इधर वाला ये तो होगा 13 और इधर वाला ये होगा 15। हाँ ना बताइए, समझाया या नहीं समझाया? मैं ये चीज़ आप लोगों को समझा चुका हूँ कि एंगल बाइसेक्टर सामने वाले साइड को उसी रेशियो में डिवाइड करता है जिस रेशियो में एंगल बनाने वाली साइड्स हैं, और ये लाइन इसके पैरेलल दी हुई थी। इस ट्रायंगल की बात कर रहा हूँ मैं पी बी सी के, ये मिड पॉइंट मैं प्रूव कर चुका हूँ पहले ही, क्योंकि वही एल्टीट्यूड और मिड पॉइंट से अगर इधर पैरेलल लाइन खींचोगे तो सामने वाले के भी मिड पॉइंट पर मिलेगा। तो टोटल अगर 28 था तो यहाँ से यहाँ तक ये तो 13 पहले आ चुका है और यहाँ से यहाँ तक ये जो होगा ये 14 होगा। डायग्राम थोड़ा सा इस टाइप से बन गया है, आप लोग ध्यान रखना, डायग्राम थोड़ा सा जी पॉइंट थोड़ा आगे चला गया, लेकिन सही डायग्राम जब बनाओगे थोड़ा सा, क्योंकि एल्टीट्यूड और मीडियन का काम करेगी थोड़ा इधर आएगा, लेकिन कोई बात नहीं, गलती वो से थोड़ा आगे दिखाई दे रहा है, बाकी डायग्राम में कोई गलती नहीं है। तो ये यहाँ से यहाँ तक 14, ये 13, डी जी की लेंथ पूछी है तो क्या आंसर एक आ गया है? क्या ये अपना आंसर है? ध्यान रखना एग्जाम में वो ई जी की लेंथ भी पूछ सकता है। ये अपने पास 26 है, टोटल 30 था तो नीचे वाला बचेगा 4, और 4 बच गया तो मिड पॉइंट को मिलाने वाली लाइन इससे हमेशा आधी और पैरेलल होती है, तो ये आ गया 2। पूछा नहीं है लेकिन एग्जाम में क्वेश्चन पूछ सकता है, और अच्छा क्वेश्चन अगर बनाना चाहेगा तो। मैं फिर समझाता हूँ,
कोशिश करना समझने की, ये लाइन एल्टीट्यूड भी है और ये लाइन एंगल बाइसेक्टर भी है, तो यही लाइन काम करेगी मीडियन का, ऐसा मैंने थ्योरी में बताया था। नहीं याद तो थ्योरी के वीडियोस वापस देखिए। तो ये मिड पॉइंट हो गया, और मिड पॉइंट से पैरेलल लाइन खींचे तो वो सामने वाले साइड के भी मिड पॉइंट पर जाकर मिलती है। तो टोटल अगर अपने पास 28 था तो यहाँ से यहाँ तक ये 14 होगा, और एंगल बाइसेक्टर सामने वाले साइड को उसी रेशियो में डिवाइड करता है जिस रेशियो में एंगल बनाने वाले साइड हैं। 26 और 30 का रेशियो 13 और 15, तो ये 13 होगा और इधर वाला 15 होगा। यहाँ तक 13, यहाँ तक 14, 14 में से 13 माइनस कर दिया तो डीजी पूछा था, आंसर आ गया 1 सेंटीमीटर। बहुत अच्छा क्वेश्चन, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, कोशिश करना इसको करने की। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए आप लोग, क्वेश्चन नंबर अपने पास लिखा हुआ है 8 नंबर आपके सामने, ये रहा, पढ़िए आप लोग। इन गिवन फिगर ए बी सी डी इज ए स्क्वायर इन इंस्क्राइब्ड इन ए सर्किल, पॉइंट ई इज द ऑन सर्किल, इफ ए बी इक्वल्स टू 8 फाइंड द वैल्यू ऑफ ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस डी ई स्क्वायर। एक सर्किल के अंदर ध्यान देना आप लोग, एक स्क्वायर बनाया गया है। बहुत अच्छा और बहुत आसान क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 8 समझा रहा हूँ मैं आपको, क्वेश्चन नंबर 8 समझा रहा हूँ। अपने पास इस प्रकार से है ए बी सी और डी, एक स्क्वायर है जिसकी ये एक साइड हमें दी हुई है 8, और एक पॉइंट ई है अपने पास, यहाँ पर एक पॉइंट ई है, और इसने कहा है कि ए से ई तक, बी से ई तक, इनको अगर मिला दिया जाए सभी को, इसके ऊपर सर्कमफ्रेंस के ऊपर एक पॉइंट है सर्किल, ये जो डायग्राम है ये क्वेश्चन में गिवन है, आपके पास होगा, और हम लोगों से लेंथ पूछी है ए ई स्क्वायर प्लस बी ई स्क्वायर प्लस सी ई स्क्वायर प्लस डी ई स्क्वायर की वैल्यू क्या होगी, ये हम लोगों से पूछा गया है। बहुत आसान क्वेश्चन और बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कोशिश करना आप लोग समझने की। देखिए कैसे कर पाएंगे हम लोग, ध्यान देना, एक बात तो ये ध्यान रखना आप लोग, एक चीज़ याद रखना हमेशा और हमेशा कि डायगोनल जो स्क्वायर के डायगोनल होते हैं वो हमेशा और हमेशा उसके सेंटर से पास होंगे, और स्क्वायर के डायगोनल का जो फॉर्मूला होता है, डायगोनल का फॉर्मूला होता है रूट टू इंटू साइड, में मेंशुरेशन में पढ़ाऊंगा। अभी एक बार कोई भी एग्जाम आपका है नहीं, अभी SSC तो आगे आप लोगों को पता ही है, 17 में भी थोड़ी प्रॉब्लम आ रही है, तो SSC कब होगा ऐसा हमें नहीं पता, थोड़ा सा आगे जाएगा, तो मुझे एक बार धीरे धीरे और आराम से पढ़ाने दो ताकि मैं सब कुछ आपको समझा सकूँ। ऐसे तो मैं महीने भर में सारे टॉपिक भी करवा सकता हूँ, लेकिन हम लोग धीरे धीरे और आसान, क्योंकि अगर जल्दी का एग्जाम हुई तो हम लोग जल्दी कर लेंगे, टाइम बढ़ा देंगे, और अगर एग्जाम थोड़ी लेट है तो मुझे धीरे धीरे अच्छे से पढ़ाने दो ताकि सब कुछ मैं आप लोगों को समझा सकूँ। भागने की कोशिश मत करो, जहाँ से पढ़ रहे हो वहाँ से पढ़ ही लो, और जो मैं चीज़ें चैप्टर में समझा रहा हूँ उसको अच्छे से समझ लो, है ना। तो भागने की कोशिश नहीं करना। रूट टू इंटू साइड, आप लोग मुझे बताइए, ए से सी को अगर मिला दिया जाए, ए से सी को मिला दिया जाए तो व्यास द्वारा परिधि पर बना कोण हमेशा 90 डिग्री होता है, तो ये अगर ये जो इसके जो डायगनल्स होंगे वो सेंटर से पास होंगे, तो यहाँ से अगर हम लोग ये मिलाएं तो हम लोग लिख सकते हैं ए सी स्क्वायर बराबर, क्योंकि व्यास द्वारा परिधि पर बना कोण 90 डिग्री, हम लोग लिख सकते हैं ए सी स्क्वायर बराबर ए ई स्क्वायर प्लस ई सी स्क्वायर पाइथागोरस थ्योरम से। और दूसरा, अगर आपके पास ये वाला डायगोनल मिला दिया जाए, दूसरे वाला यहां से यहां तक ये डायगोनल मिला दें, तो ध्यान रखना हम लोग अगर बी से ई को मिला दें, आसान क्वेश्चन, लेकिन ये कॉन्सेप्ट आपके अगर किया हुआ होगा तुरंत समझ में आ जाएगा, नहीं किया हुआ होगा नहीं समझ में आएगा। ग्रीन वाला व्यास द्वारा परिधि पर बना कोण 90 डिग्री, तो बी डी स्क्वायर बराबर हम लोग लिख सकते हैं ए बी ई स्क्वायर प्लस डी ई स्क्वायर। दोनों को अगर हम लोग ऐड कर लें, इधर वाले को और इधर वाले को, तो इनके सम की वैल्यू तो हमें चाहिए, और ए सी स्क्वायर का जो मान है ये आप लोगों को पता होगा कि ए सी इसका डायगोनल है, और डायगोनल का जो फॉर्मूला होता है वो होता है 8 रूट टू इंटू साइड, तो 8 रूट टू का स्क्वायर इसकी वैल्यू प्लस 8 रूट टू का स्क्वायर, और ये आगे वाला तो हम लोगों से पूछा ही है ए बी स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, सारा ए ई स्क्वायर ये पूछा है, 64 इंटू 2 156 गुना 2, तो आंसर आ जाएगा अपने पास 64 इंटू 2 128, और 128 गुना 2 आंसर आ जाएगा अपने पास 256, ये अपना आंसर है। तो आसान और अच्छा क्वेश्चन था, कोशिश करना समझने की। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग, नेक्स्ट क्वेश्चन 9 नंबर आपके सामने बोर्ड पर है, आप लोग उसको पढ़िए, मैं भी आपके साथ पढ़ लेता हूँ, इंग्लिश मीडियम वाले आप लोग पढ़िए, मैं हिंदी में क्वेश्चन आपके लिए पढ़ देता हूँ।
एक वृत्त की त्रिज्या ए ओ तथा बी ओ लंबवत हैं। एम एन रेखा ए बी के समांतर जो ए ओ को पी पर तथा बी ओ को क्यू पर काटती है, वृत्त को एम तथा एन पर मिलती हैं। एम पी बराबर रूट 56, पी एन बराबर 12, तो वृत्त की त्रिज्या क्या होगी? आसान और अच्छा क्वेश्चन, कोशिश करना समझने की, समझाता हूँ मैं आपको। ये इस प्रकार से है और इससे बहुत सारी चीज़ें आपके समझ में आएंगी, ध्यान रखना। ए ओ और बी ओ, ए से ओ तक और बी से ओ तक एक दूसरे पर परपेंडिकुलर हैं। यहाँ से एक लाइन एम एन जो ए बी के पैरेलल है, एक लाइन एम एन जो ए बी के पैरेलल है, और इसको एम पी की वैल्यू रूट 56 जो इसको ए ओ को पी पर और इसको क्यू पर काटती है। ये पॉइंट दिया हुआ है पी और ये पॉइंट दिया हुआ है क्यू, ठीक है। एम पी का जो मान दिया हुआ है वो दिया हुआ है रूट 56 और पी एन की वैल्यू दी हुई है 12। एम पी की वैल्यू जो दी हुई है वो दी हुई है रूट 56 और पी एन का जो मान दिया हुआ है पी से एन तक की जो वैल्यू दी हुई है वो दी हुई है 12। इसकी वैल्यू जो होगी अपने पास वो दी हुई है 12। अब देखिए हमें पूछा है कि वृत्त की त्रिज्या क्या होगी और ऑप्शन आपने देख लिए होंगे कि क्या क्या दिए हुए थे हम लोगों को। वृत्त की त्रिज्या हमें फाइंड आउट करनी है, व्हाट इज़ द रेडियस ऑफ सर्किल, ये हम लोगों को फाइंड आउट करना है। कैसे कर पाएंगे देखिए, बहुत अच्छा और आसान क्वेश्चन, आसान भी है और अच्छा भी है। कैसे करेंगे देखो, आप लोग एक काम कीजिए, पी एन की लेंथ 12 दी हुई है, ये 56 दिया हुआ है, तो ये दोनों अगर पैरेलल हैं तो ये जो क्वेश्चन में गिवन है वो अभी तक लिख चुका हूँ मैं। ये अगर रूट 56 है तो ये भी अपने पास रूट 56 होगा, क्यू एन की वैल्यू भी रूट 56 होगी। ये यहाँ से यहाँ तक आप लोग इसको आगे बढ़ाओ, ये अगर मैं अक्ष मानता हूँ और ये रेडियस है तो ओ से ए तक भी रेडियस होगा, तो ऊपर वाला ये जो बचा अपने पास ये होगा आर माइनस ए, एक्स माना तो आर माइनस एक्स। बहुत अच्छा क्वेश्चन मैं आप लोगों को करवा रहा हूँ और काफ़ी देर हो गई है मुझे पढ़ाते हुए और मैं 15 क्वेश्चंस आपको करवाऊंगा ही। आप लोग भी अगर बोर होते हो कोई बात नहीं, बोर होने दो, बोर हो गए, लेकिन अच्छे क्वेश्चंस अगर आपको करने हैं तो आपको साथ साथ रहना ही पड़ेगा। मैं भी वीडियोस की लेंथ बढ़ा रहा हूँ, आप भी थोड़ा अपना स्टेमिना बढ़ाओ, बोर होना कम करो, इधर ध्यान रखना, अच्छे क्वेश्चंस हैं ये यहाँ से यहाँ तक आर, ये अक्ष माना तो ये आर माइनस अक्ष होगा अपने पास, और हम लोग एक सर्कल की दो कोर्ड्स अगर एक दूसरे के अंदर इंटरसेक्ट करें तो पी ए इंटू पी पी बराबर लिख सकते हैं, पी ए इंटू इस पॉइंट को अगर हम लोग मान लो आर माने तो हम लोग लिख सकते हैं पी ए इंटू पी आर बराबर पी एम इंटू पी एन। तो पी से ए तक तो अपने पास आर माइनस एक्स, पी से आर तक है अपने पास आर प्लस एक्स, ये अपने पास है रूट 56 और ये अपने पास है 12। इसको लिख सकते हैं आर स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर बराबर 12 रूट 56। देखो एक चीज ध्यान रखना, ये दोनों अगर पैरेलल हैं तो ये अगर x है तो ये यहां से यहां तक और यहां से यहां तक इधर वाला भी x होगा, जिसको मैं ब्लू से ही दिखा देता हूं। ये अपने पास x होगा, ये टोटल पी एन जो q अपने पास पी एन 12 था, इधर वाला अगर ये रूट 56 है तो इधर वाला भी रूट 56 होगा, तो q p से q तक की जो वैल्यू आ गई अपने पास, p से q तक की जो वैल्यू आ गई वो आ गई 12 माइनस रूट 56। तो हम लोग इस ट्रायंगल पी ओ क्यू में, ट्रायंगल पी ओ क्यू में लिख सकते हैं अक्ष स्क्वायर प्लस अक्ष स्क्वायर, पाइथागोरस थ्योरम से अक्ष स्क्वायर प्लस अक्ष स्क्वायर बराबर इसका स्क्वायर होगा 144 प्लस 56 माइनस 24 रूट 56। तो दो बार आएगा तो ये अक्ष स्क्वायर की जो वैल्यू आ गई वो दोनों को ऐड किया तो 200, तो ये आ गया 100 माइनस 12 रूट 56। ये जो अक्ष स्क्वायर की वैल्यू जो है आप लोग यहाँ पुट कर दीजिए, आर स्क्वायर ये लिख सकते आप लोग 100 प्लस 12 रूट 56, क्योंकि बाहर माइनस का है तो अंदर जाएगा तो ये तो हो जाएगा माइनस का और ये हो जाएगा प्लस का बराबर 12 रूट 56। ये इससे कट गया, आर स्क्वायर बराबर अगर 100 है तो आर की वैल्यू रेडियस पूछी थी 10, ये अपना आंसर।
एक बार फिर समझाता हूँ, अच्छा और आसान क्वेश्चन दो तीन बार कर लोगे चीज़ें बहुत ज़्यादा आसान लगने लगेंगी। मैं पहले से बता रहा हूँ, धीरे धीरे स्टैंडर्ड में बढ़ाते जाऊँगा, लेकिन आप लोग तभी समझ पाओगे जब कंप्लीट वीडियो अच्छे से दो बार देखोगे आप लोग, तभी अच्छे से समझ में आएगा, नहीं तो आप लोगों के चीज़ें समझ में आना बंद हो जाएंगी। पहले आप लोग थ्योरी देखिए और उसके बाद वीडियोज़ देखिए, थ्योरी देखिए क्वेश्चंस देखिए थ्योरी क्वेश्चन, ऐसे तीन चार बार करोगे तो आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा। मैं फिर समझा रहा हूँ, ध्यान देना आप लोग, ये रूट 56 और 12 ये दोनों क्वेश्चन में दिए हुए हैं, हमें इसकी रेडियस फाइंड आउट करनी थी। हम लोगों ने इसको आगे बढ़ाया, ये पॉइंट आर मान लिया, ये अगर दो कोर्ड्स एक दूसरे को अगर पी पर इंटरसेक्ट करें तो ए पी इंटू पी आर बराबर एम पी इंटू क्यू एन, ये हम लोग लिख सकते हैं। ये टोटल यहाँ से यहाँ तक रेडियस अगर मैं आर मान लूँ तो इधर भी आर होगा, इसको एक्स मान लिया तो ये आर माइनस एक्स, तो आर माइनस एक्स और ये आर प्लस एक्स, रूट 56 और 12, ठीक है ये आ गया। अब अक्स की जो वैल्यू है यहाँ से एक्स स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर, ये रूट 56 अगर होगा तो इधर वाला भी रूट 56 ही होगा, अगर ये दोनों पैरेलल हैं तो। क्यों होगा? यहाँ से हम लोग लाइन खींचेंगे, एक ट्रेपेजियम बनाएंगे और उसके बाद उसको प्रूव करेंगे, आप लोग खुद इस चीज़ को याद रख लेना। यहाँ से इस प्रकार से इसको इससे मिलाएंगे, इसको इससे मिलाएंगे, तो कोशिश करना अपने आप करने की। ये भी एक या पैरेलल हो तो आप लोग ये याद रख सकते हो कि ये भी अपने पास रूट 56 ही होगा, ये मैंने लिख दिया। टोटल 12 था, ये रूट 56 तो ये 12 माइनस रूट 56, इसका स्क्वायर प्लस इसका स्क्वायर बराबर इसका स्क्वायर, अक्स का मान यहाँ से यहाँ पुट कर दिया, सोल्व करते ही अपने पास आंसर आ गया। अगले क्वेश्चन पर चलते हम लोग, नेक्स्ट क्वेश्चन। तो क्वेश्चन नंबर 10 आपके सामने बोर्ड पर लिखा हुआ है, एक संभव त्रिभुज ABC का लंब AD जो O केंद्र वाले वृत्त का व्यास है, यदि वृत्त त्रिभुज ABC भुजा AB को E पर और AC को F पर काटे तो इन दोनों का रेशियो हम लोगों से पूछा है। इंग्लिश मीडियम वाले स्टूडेंट क्वेश्चन को इंग्लिश में पढ़ लीजिए, ABC इज़ ए इक्विलेटरल ट्रायंगल, क्वेश्चन नंबर हम लोग देख रहे हैं 10 नंबर, ABC इज ए इक्विलेटरल ट्रायंगल एंड AD इज द परपेंडिकुलर। ध्यान रखना, मैंने अभी तक नहीं पढ़ा है, वैसे मेंशुरेशन में मैं पढ़ाऊंगा, इसके हाइट का फॉर्मूला होता है रूट 3/2 इंटू साइड, साइड अगर ए मानो तो रूट 3/2 इंटू ए, तो ये रूट 3/2 इंटू ए, ये इसका सेंटर है मान लीजिए, ये ए डी व्यास वाला एक सर्किल, इसको काट रहा है अपने पास ई पर और इसको काट रहा है एफ पर, देन हम लोगों को बी सी और ई एफ का रेशियो हम लोगों से पूछा गया है, हम लोगों को रेशियो पूछा है किसका, ई एफ और बी सी का रेशियो पूछा है, ये हम लोगों से पूछा गया है, कोशिश करना समझने की। और एक दो चीज़ें मैं पहले भी आपको थ्योरी में पढ़ा चुका हूँ, और जब आपको हाइट एंड डिस्टेंस पढ़ाऊंगा तो मैं ये बताऊंगा ही बताऊंगा। ध्यान रखना, 30 के पास वाली साइड बड़ी और 60 के पास वाली साइड छोटी होती है, और छोटा और बड़ा बनाना है रूट 3 से, किसी ने अगर रेशियो रट रखे हैं वो ठीक है, 30 के पास वाली साइड बड़ी तो ये अगर x है तो ये रूट 3x होगा, और कर्ण हमेशा 30 डिग्री के सामने वाली साइड का डबल होता है। ये आप अच्छे से समझ लो क्योंकि मैं ज्योमेट्री में बहुत जगह काम में लूँगा, और हाइट एंड डिस्टेंस तो पूरी पढ़ाऊँगा इस टाइप से। 30 के पास वाली साइड बड़ी, 60 के पास वाली साइड छोटी, छोटा या बड़ा बनाना है रूट 3 से, लगे कि बड़ा बनाना है तो रूट 3 से इंटू कर दो, लगे छोटा बनाना तो रूट 3 का भाग दे दो, और कर्ण हाइपोटेनस हमेशा 30 के सामने वाली साइड का डबल। आपको लग रहा होगा कि मैंने तो रेशियो याद रट रखे हैं, फिर भी आप लोग ये लाइन 3-4-5 बार सुनो और फिर देखना हाइट एंड डिस्टेंस का क्वेश्चन 5-10 सेकंड में आप लोग कैसे कर पाओगे, बेसिक से कैसे फास्ट करोगे ये चीज़ मैं सिखाऊंगा आपको। 30 के पास वाली साइड बड़ी, 60 के पास वाली साइड छोटी, छोटा बनाना है रूट 3 से भाग दे दो, बड़ा बनाना है रूट 3 से डिवाइड इनटू कर दो। जैसे आपको लगता है कि 60 के पास वाली साइड छोटी या बड़ी तो आप कहोगे सर छोटी, तो छोटा बनाना है तो रूट 3 से भाग दे दीजिए, और कर्ण हमेशा 30 डिग्री के सामने वाली साइड का डबल। और समझा देता हूँ, ये अपने पास दिया हुआ है 30 डिग्री, ये दिया हुआ है 60 डिग्री, अपने आप आएगा 90-30-60, ये 40 दिया हुआ है, तो 30 के पास वाली साइड बड़ी, बड़ा बनाना है या छोटा, आपके पास सिर्फ रूट 3 है, लगे बड़ा बनाना है तो रूट 3 से इंटू कर दो, लगता है छोटा बनाना है तो रूट 3 का भाग दे दो, तो ये 40 रूट 3, और कर्ण 30 डिग्री के सामने वाली साइड का डबल, ये बात आप लोग याद रखना, बहुत जगह काम में आएगा, फिर आएगा फिर समझा दूंगा, लेकिन याद भी रखना ई एफ और बी सी का रेशियो हमें चाहिए। हमें पता है कि एक इक्विलेटरल ट्रायंगल है, संभव त्रिभुज है, और इक्विलेटरल ट्रायंगल में संभव त्रिभुज में ये कोण अगर अपने पास 60 डिग्री है तो ये सेंटर पर बना एंगल, इस आर्क द्वारा सर्कमफ्रेंस पर बना एंगल 60 डिग्री है तो ये होगा 120 डिग्री, ये अपने पास क्योंकि
ये इस प्रकार से, ये अगर 60 डिग्री है तो 120, ये भी रेडियस है, ये भी रेडियस है, और रेडियस हाइट यहाँ से यहाँ तक AD का मान अगर रूट थ्री बाई टू इंटू ए है तो रेडियस आधी होगी, ये भी रूट थ्री बाई फोर इंटू ए, ये भी रूट थ्री बाई फोर इंटू ए, और ये भी रूट थ्री बाई फोर आधी होगी इससे ए। तो यही एल्टीट्यूड, यही मीडियन, ये एंगल बाई सेक्टर, ये 60, ये 120, तो ये इधर वाला 60, तो ये आ गया 30 डिग्री। और मुझे आप लोग ये बताइए, कर्ण हमेशा 30 डिग्री के सामने वाले साइड का डबल होता है, कर्ण 30 डिग्री के सामने वाले साइड का डबल, तो ये रूट थ्री बाई फोर इंटू ए है, तो कर्ण 30 डिग्री के सामने वाले साइड का डबल, ये क्या अपने पास यहाँ लिख देता हूँ, रूट थ्री बाई एट होगा क्या? और 30 के पास वाली साइड बड़ी या छोटी? आप कहोगे सर बड़ी, बड़ा बनाना तो इसको रूट थ्री से इंटू कर दें, तो ये आ गया थ्री बाई एट ए। ई एफ का जो मान आएगा इसको इधर भी इतना ही आएगा, इधर भी इतना ही, इसको दो से गुना कर दो, तो थ्री बाई ए अपॉन फोर, और बी सी की वैल्यू तो ए मान कर चले रहे हैं, ए से ए कट जाएगा, और रेशियो कितना आ जाएगा, थ्री इज टू फोर, ये अपना आंसर है। तो आसान क्वेश्चन था, नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं, ये आपको खुद को भी आना चाहिए था पहले से। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है एक बार मैं करवा चुका हूँ, लेकिन फिर भी सिस्टमेटिक चल रहे हैं क्वेश्चन में, मुझे वापस मैं पढ़ाता हूँ, देखिए ध्यान देना बोर्ड पर आप लोग। क्वेश्चन नंबर हम लोग 11 नंबर देख रहे हैं, क्वेश्चन नंबर 11 आपके सामने बोर्ड पर क्वेश्चन आ गया है, आप लोग देख लीजिए, ये डायग्राम बना हुआ है, आसान सा क्वेश्चन है, लग रहा आसान है आंसर आपका, कुछ जो स्टूडेंट नहीं पढ़ी है मेरी थ्योरी उनका आंसर 100 डिग्री आएगा, फिर भी मैं एक बार वापस आपको समझा देता हूँ। देखिए इस प्रकार से है, ये दिया हुआ है ए, ये दिया हुआ है बी, और ये हम लोगों को दिया हुआ है सी, और ये अपने पास डी है, और ये इसका सेंटर है ओ, डी से ओ को मिला दें हम लोग, और यहाँ से इसको भी मिलाया है, ये वाला दोनों एंगल हम लोगों को क्वेश्चन में गिवन, अगर आपने पढ़ा है तो ये एंगल अपने पास दिया हुआ है ए बी सी, ये 30 डिग्री, ये वाला जो एंगल हम लोगों को दिया हुआ है 20 डिग्री, और ये वाला एंगल दिया हुआ है 20 डिग्री। कुछ लोग देखते ही क्या करते हैं, 30 और ये 60, ध्यान रखना सेंटर पर बना एंगल होता है सेम सर्कमफ्रेंस द्वारा, यहाँ सेम सर्कमफ्रेंस नहीं है, ये तो ओ आ रहा है, तो इसको आप लोग 60 मत कर लेना, क्वेश्चन साफ साफ गलत हो जाएगा। फिर क्वेश्चन सर हम लोग कैसे करें ऐसे गलत हो जाएगा, तो क्वेश्चन करने का जो तरीका होगा वो क्या होगा, देखिए आप लोग यहाँ से इसको मिला दो, ये अगर 30 है तो ये 60 होगा, और इसको अगर मिला दें तो एक बात ध्यान रखना, ओ से सी तक और ओ से ए तक बराबर है क्योंकि रेडियस है, तो ये 60 अगर है तो बचा 120, तो इसके सामने ये भी 60 होगा और ये भी पूरा 60 होगा, ये 20, तो ये बचा 40 डिग्री। ध्यान देना ये कोण 40 डिग्री, ये कोण 30 डिग्री, तो ये कोण बचा अपने पास 70 डिग्री। एक्सटीरियर एंगल ऑलवेज सम ऑफ इंटीरियर अपोजिट के बराबर होता है, तो 70। ये कोण अगर अपने पास 70 डिग्री है, ये 40 है, ये 60 है, तो क्या ये वाला कोण अपने पास 10 डिग्री आ जाएगा क्या? ये 60-60 होने पर ये और ये तो पहले ही बराबर आ गए, क्योंकि 60-60 और 60 है तो ये पहले से बराबर आ गए। और एक चीज़ ध्यान रखना, त्रिभुज का 30, ये 70 आ गया क्योंकि 30 और 40 बाहर एक्सटीरियर एंगल 70। और मुझे आप लोग ये बताइए, ये कोण अगर 70 आ गया, ये 40 है, ये 60 है, तो त्रिभुज का एक और एंगल, तीनों कोणों का योग 180 होना चाहिए, इनको ऐड किया तो 170, तो ये 10, ये पूरा 70, ये पूरा 70, तो क्या ये दोनों भी बराबर हो गए क्या? ये दोनों बराबर, और ये इसके बराबर पहले से था, तो ये भी दोनों बराबर। तो ये कोण अगर 20 डिग्री है और एक ट्रायंगल के दो अगर साइड बराबर हैं, एक कोण 20 डिग्री है, तो बचे हुए दोनों एंगल निकाल सकते हो क्या? आइसोसेलेस ट्रायंगल का डी ओ सी के लिए, अलग से बना रहा हूँ, डी ओ सी के लिए, ये कोण अगर 20 डिग्री है और ये दोनों बराबर हैं, तो बचा हुआ एंगल ये भी 70 डिग्री होगा, और ये भी अपने पास नहीं 80 है ना, 160 बचा, तो ये भी 80 होगा और ये भी अपने पास 80 होगा, तो ये वाला जो एंगल आएगा वो 80 डिग्री आएगा। बहुत अच्छा, बहुत इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस, तो आप लोग इसको ध्यान रखना, एक बार वापस से देखिए और इसको करने की कोशिश कीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए आप लोग, क्वेश्चन नंबर 12, दो वृत्त एक दूसरे को ए तथा बी पर काटते हैं तथा वृत्तों की उभयनिष्ठ जीवा ए बी को 10 सेंटीमीटर है, जो दोनों वृत्तों को केंद्र से मिलाने वाली रेखा वृत्त को पी तथा क्यू पर अगर काटती है, पी क्यू इक्वल्स टू 3, यदि वृत्त की त्रिज्या 13 सेंटीमीटर हो तो दूसरे वृत्त की त्रिज्या कितनी होगी? जैसे ही मैं क्वेश्चन पढ़ता हूँ आपके सामने क्वेश्चन आ जाता है, साथ साथ आप लोग भी पढ़ा करो,
कल इवनिंग में मैं पहले से क्वेश्चन दे चुका हूँ मेरे टेलीग्राम के लिंक पर, तो उसको आप लोगों को साथ साथ वहाँ से क्वेश्चन ले लीजिए। नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया हुआ है, वहाँ से जाइए, वहाँ से क्वेश्चन आप लोग ले सकते हो। तो देखिए क्वेश्चन नंबर 12 मैं आप लोगों को समझाता हूँ। यहाँ पर अपने पास लिखा हुआ है दो वृत्त एक दूसरे को ए तथा बी पर काटते हैं, दो सर्किलें जो एक दूसरे को ए तथा बी पर इंटरसेक्ट करते हैं। ए बी इक्वल्स टू 10, ठीक है। दोनों वृत्तों को केंद्र से मिलाने वाली रेखा इनको पी तथा क्यू पर काटे। ए बी की लेंथ 10 दी हुई है, तो ध्यान रखना हमेशा ये इस पर परपेंडिकुलर होता है, तो ये बचा 5। एक की रेडियस आपके सामने 13 दी हुई है और पी और क्यू पर काटे, है ना, इसको दोनों सेंटर को मिलाने वाली लाइन ओ वन और इसका सेंटर मान लीजिए ओ टू, यहाँ तक ठीक है। इसके बाद हम लोगों को कहा है कि वृत्त की त्रिज्या अगर 13 सेंटीमीटर हो तो दूसरे वृत्त की त्रिज्या कितनी होगी, ऐसा हम लोगों से पूछा गया है। तो दूसरे वृत्त की त्रिज्या अगर पूछे तो आसान क्वेश्चन है, देखो 13 के स्क्वायर में से 5 का स्क्वायर माइनस करोगे तो यहाँ से यहाँ तक ये आ जाएगा 12। ये टोटल रेडियस जो है वो अपने पास 13 थी, 13 है, तो यहाँ से ओ1 से क्यू तक 13 होगा। ये अगर 12 है यहाँ से यहाँ तक तो ये बचा 1, क्योंकि टोटल 3 क्वेश्चन में गिवन है, ये 3 क्वेश्चन में गिवन है। उधर वाला अगर 1 होगा तो ये इधर वाला जो अपने पास बचा ये अपने पास बच गया 2, और ये रेडियस यहाँ से यहाँ तक r मान लो, ये अगर r है तो यहाँ से यहाँ तक भी r होगा, ये अगर 2 है तो यहाँ से यहाँ तक इधर वाला जो बचा वो अपने पास बचा r माइनस 2, और लिख सकते हैं r माइनस 2 का स्क्वायर प्लस 5 का स्क्वायर बराबर आर स्क्वायर। क्या सोल्व करके आर की वैल्यू निकाल लोगे क्या? हाँ ना, कुछ तो बोलो, निकाल लेंगे तो निकाल लेना, कैलकुलेट करना है, आंसर अपने पास आ जाएगा। क्वेश्चन नंबर 13 आपके सामने ये रहा, दो वृत्त एक दूसरे को पी पर स्पर्श करते हैं, ए बी छोटे वृत्त की स्पर्श रेखा जो बड़े वृत्त को ए तथा बी पर मिलती है और छोटे वृत्त की सी पर स्पर्श करती है, पी ए तथा पी बी छोटे वृत्त को डी तथा ई पर मिले, ए बी 15 है, पी 2 है, पी डी इक्वल्स टू 3 है। देखिए क्वेश्चन नंबर 13 अपने पास जो लिखा हुआ है उसका मैं डायग्राम बना देता हूँ ताकि आपको सही से समझ में आए, और ये मैंने आप लोगों को जैसे कहा है अच्छे क्वेश्चन से, बहुत अच्छे क्वेश्चन हैं ये, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हैं, इंपॉर्टेंट उस पॉइंट ऑफ व्यू से हैं, अगर कभी SSC एडवांस लेवल के क्वेश्चन दे तो। एक दूसरे को पी पर स्पर्श करते हैं, बड़े वृत्त छोटे वृत्त की स्पर्श रेखा जो बड़े को ए तथा बी पर और छोटे को मिलती है सी पर, ये पॉइंट दिया हुआ है सी। इसने कहा है कि पी पर ये दोनों स्पर्श करते हैं और यहाँ से अगर हम लोग पी से ए तक ए बी को मिला दिया जाए, पी ए तथा पी बी डी तथा ई पर, पी से ए तक मिलाया जाए वो मिलता है इसको डी पर और इधर मिलाया जाए वो इसको मिलता है ई पर, और यहाँ से अपने पास पी की लेंथ जो दी हुई है वो दी हुई है 2 और इसकी लेंथ दी हुई है हम लोगों को कितनी 3 पीडी और पी की। एसी की लंबाई याद कीजिए, एसी की लंबाई और एबी का जो मान दिया हुआ है ये दिया हुआ है 15, ये क्वेश्चन में गिवन है। सोल्व करने की कोशिश करते हैं, ध्यान देना बोर्ड पर, इंपॉर्टेंट और अच्छा क्वेश्चन। इस प्रकार से अपने पास है ये, यहाँ से अपने पास एक इसको मिला दीजिए और इसके एक पैरेलल लाइन इसके एक टेंजेंट अगर खींच लें तो अल्टरनेट सेगमेंट थ्योरम आप लोगों को याद होगी, अल्टरनेट सेगमेंट थ्योरम में मैंने आपको बताया था ये यहाँ से टेंजेंट व कोण के बीच बना कोण थीटा है, तो इधर कहीं भी कोण बने वो हमेशा थीटा होगा। अल्टरनेट सेगमेंट थ्योरम मैं आप लोगों को समझा चुका हूँ, तो ये वाला कोण अगर अपने पास यहाँ से यहाँ तक, ये वाला कोण अगर अपने पास ए है तो ये वाला कोण भी ए होगा, छोटे वाले सर्किल की बात करें तो, बड़े वाले सर्किल में भी ये टेंजेंट का काम कर रही है और ये कंप्लीट कोण है तो इस कोण द्वारा बना कोण ये भी अपने पास ए होगा। ऐसे ही इधर वाला एंगल ये अगर अपने पास बी है, ये वाला कोण टेंजेंट व कोण के बीच बी अगर है तो यहाँ से इस कोण द्वारा ये भी बी होगा, और ये अगर बी है तो बड़े वाले सर्किल की अगर बात करें तो ये भी बी होगा। तो मुझे बताइए ये बी ये रहा, ये ए ये रहा, तो क्या ट्रायंगल पी डी ई और ट्रायंगल पी ए बी दोनों के दोनों ट्रायंगल जो हैं वो सिमिलर हो गए क्या? कौन कौन से ट्रायंगल पी डी ई जो है वो सिमिलर होगा किसके साथ? पी ए बी के साथ। तो यहाँ से हम लोग लिख सकते हैं पी डी अपॉन पी ए, यहाँ से लिख लो पी डी अपॉन पी ए बराबर होगा डी अपॉन ए बी
बराबर होगा P अपॉन PB के। ये इक्वल हो, ये सिमिलरिटी से भुजाएं समानुपात में होंगी, ऐसा हम लोग लिख सकते हैं। अब इंपॉर्टेंट चीज़ें शुरू होंगी, आप लोग ध्यान देना। यहाँ से अगर इसको मिला दिया जाए, जो कि मैं आपके लिए ब्लू से दिखाता हूँ, यहाँ से इसको अगर मिला दिया जाए तो ये वाला कोण अगर ए है तो ये इसके द्वारा यहाँ पर ये वाला कोण भी ए होगा। ये अगर ए है, सेम आर्क द्वारा सर्कमफ्रेंस पर बने कोण बराबर होते हैं। और ये वाला कोण अगर एक्स मान लो, तो ये अगर इस ब्लू लाइन द्वारा ये बी प्लस एक्स है तो टेंजेंट के साथ ये वाला जो कोण होगा वो बी प्लस एक्स होगा। ध्यान देना आप लोग, मैं फिर समझाता हूँ आपको। ये अपने पास यहाँ पर बी प्लस एक्स ऑल्टरनेट सेगमेंट थ्योरम, अगर ये कोण अपने पास एक्स है तो इधर कहीं भी कोण बने वो एक्स होगा, और ये वाला कोण अगर x है तो इधर कहीं भी कोण बने वो x होगा। दोनों चीज़ें ठीक हैं, ये x है तो ये x होगा और ये x है तो ये x होगा। तो ये b प्लस एक्स अगर कंप्लीट b प्लस एक्स है तो इसके द्वारा इधर ये कोण b प्लस एक्स होगा। अब देखिए, मुझे बताओ इस ट्रायंगल की मैं बात करूँ पी डी सी की, इसका तीसरा जो एंगल है ये वाला, इसका तीसरा एंगल ये, मुझे बताइए क्या 180 माइनस ए माइनस बी माइनस एक्स हो गया। ऐसी इस ट्रायंगल में पी सी बी में इस ट्रायंगल का तीसरा एंगल ये जो है कि 180 माइनस बी माइनस एक्स माइनस ए, 180 माइनस बी माइनस एक्स माइनस ए, 180 माइनस बी माइनस एक्स माइनस ए, के दोनों बराबर हो गए तो क्या एंगल बाइसेक्टर हो गया क्या? और अगर आपको एंगल बाइसेक्टर थ्योरम याद है तो एंगल बाइसेक्टर सामने वाली साइड को अगर आपको याद है तो ए सी अपॉन बी सी का रेशियो वही होगा, ए सी अपॉन बी सी का रेशियो वही होगा जो एंगल बनाने वाले साइड्स हैं, जो रेशियो है पी ए और पी बी का रेशियो। और ऊपर वाले ट्रायंगल में, ऊपर वाली जो अपने पास रिलेशन आया है, इसमें क्या हम लोग ऐसा लिख सकते हैं क्या फर्स्ट और थर्ड को अगर क्रॉस मल्टीप्लाई कर दें तो ये ऊपर चला जाएगा, तो क्या पी ए अपॉन पी बी ऊपर गया तो क्या पी डी अपॉन पी बी पी लिख सकते हैं क्या? इसको ऊपर ले जाओ, पी ए अपॉन पी बी बराबर पी डी अपॉन पी। और मुझे आप लोग ये बताइए पी ए अपॉन पी बी, पी ए अपॉन पी बी की जगह क्या हम लोग पी डी, इसकी जगह ए सी अपॉन बी सी बराबर इसकी जगह क्या हम लोग पी डी अपॉन पी लिख सकते हैं क्या? और अब मुझे बताइए पी डी की वैल्यू तो कितनी है 3 और पी की वैल्यू कितनी है 2। ए सी का मान निकालना, इसको आप लोग एक्स मान लीजिए, इधर वाला हो जाएगा 15 माइनस एक्स। क्या आप लोग सोल्व करके यहाँ से x का मान निकाल सकते हो क्या? क्रॉस मल्टीप्लाई करना है, x का मान निकाल लेना, अपना आंसर आ जाएगा। तो क्वेश्चन नंबर 14 आपके सामने ये रहा, मैं पढ़ देता हूँ क्वेश्चन नंबर 14 को। ये लिखा हुआ है ABC एक समबाहु त्रिभुज है, AC एक बिंदु D है, AD बराबर 1/3 AC, भुजा BC पर एक बिंदु E है, CE बराबर 1/3 BC, BD तथा AE को F पर काटते हैं तो CFB कोण कितना होगा? देखो, एक इक्विलेटरल ट्रायंगल है ए बी और सी, ए बी सी इज ए इक्विलेटरल ट्रायंगल। इस पर एक पॉइंट डी इस प्रकार से है कि इसने लिखा है कि ए डी अपॉन ए सी, जैसे लिखा हुआ है मैं बता देता हूँ, ए सी को इधर लाओ 1/3, तो ये अगर अपने पास एक है तो ए सी 3 है तो ये बचा 2। और इस पर एक पॉइंट ई इस प्रकार से है कि ये 1 है तो ये 2, क्योंकि आगे भी ये दिया हुआ है ए अपॉन बी सी इक्वल्स टू 1/3। तो ए को एक मानोगे तो इधर वाला 2, क्योंकि टोटल 3। तो इसको अगर x मानते हो तो 2x, ये x मानते हो तो ये अपने पास होगा 2x। सबसे पहली बात, इन दोनों को मिलाया गया जो एक दूसरे को f पर मिलते हैं। तो ध्यान रखना ये x है और ये x है, ये दोनों बराबर। तो ट्रायंगल ए डी बी जो अपने पास ट्रायंगल है, या डी ए बी ट्रायंगल, डी ए बी जो होगा वो कॉन्ग्रेंट होगा कौन से ट्रायंगल के साथ? डी ए बी जो होगा वो सर्वांगसम होगा अपने पास ई, अपने पास ई सी ए के साथ, ई सी ए के साथ सर्वांगसम होगा, क्योंकि अपने पास ये इसके बराबर पहले से डी ए बराबर है ई सी के बराबर। सर्वांगसम क्यों होगा वो मैं बता रहा हूँ, और ए बी और सी ए बराबर है, ए बी और सी ए बराबर इसलिए हैं क्योंकि अपने पास कौन सा ट्रायंगल है? इक्विलेटरल ट्रायंगल है। और एक एंगल जो अपने पास है ए और सी बराबर, क्योंकि 60 डिग्री है, वो बराबर होगा। तो इसके सामने, इस अक्ष के सामने ये वाला कोण अगर आप लोग अल्फा मानते हो, जिसको मैं ग्रीन से अगर दिखाऊं,
कि ये वाला कोण अगर आप लोग अल्फा मानते हो, ये वाला कोण अगर अल्फा मान लिया इसके सामने, तो इसके सामने ये वाला कोण भी अल्फा होगा। ये कोण अपने पास अल्फा है, तो ये वाला जो एंगल बचा अपने पास, ये बच गया 60 माइनस अल्फा। ये 60 माइनस अल्फा है और ये कोण हमें पता है कि 60 डिग्री है, तो ये वाला जो एंगल बचा अपने पास, ये अपने पास बच गया, ये 60 माइनस अल्फा और ये अपने पास 60 डिग्री है, तो इन दोनों को अगर ऐड करें तो 120 माइनस अल्फा, तो ये अपने पास हो गया 60 प्लस अल्फा। हाँ ना बताइए, समझ आ रहा है क्या? क्योंकि अपने पास त्रिभुज के तीनों कोणों का योग 160 डिग्री होना चाहिए, तो 60 माइनस अल्फा, ये कोण 60 और ये कोण अपने पास 60 प्लस अल्फा, और यहाँ पर ये पूरा कोण 60 डिग्री है, ये वाला जो कोण है वो 60 माइनस अल्फा, क्योंकि पूरा कोण 60 डिग्री था, 60 माइनस अल्फा, ये 60, तो ये वाला जो एंगल बचना है, ये वाला एंगल होगा 60 प्लस अल्फा, और ये 60 प्लस अल्फा है तो बाहर वाला जो एंगल हो गया ये हो गया 120 माइनस अल्फा, बाहर वाला एंगल 120 माइनस अल्फा, 60 प्लस अल्फा, 60 माइनस अल्फा, तो क्या ये तीसरा कोण 60 डिग्री बचा क्या? क्योंकि तीनों कोणों का योग 180 डिग्री होना चाहिए। अब देखो ये कोण 120 माइनस अल्फा और ये कोण 60 प्लस अल्फा, यहाँ से क्वेश्चन शुरू होता है, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, बहुत अच्छा क्वेश्चन है, तीन या चार बार देखना उसके बाद आपके समझ में आएगा। मुझे आप लोग ये बताइए, क्या ये जो है अपने पास साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल 60 प्लस अल्फा और 120 माइनस अल्फा 180 हो गया, तो क्या ये अपने पास चक्रीय चतुर्भुज साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल बन गया क्या? और साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल बन गया क्योंकि विपरीत कोणों का योग 180 डिग्री होते हैं, साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल बन गया, चक्रीय चतुर्भुज बन गया, और ये अपने पास एक्स और टू एक्स आगे अगर बढ़े और इसको इससे मैं मिला दूं तो ये कोण 60 डिग्री है। कर्ण हमेशा 30 डिग्री के सामने वाले साइड का डबल होता है, ऐसा मैंने थोड़ी देर पहले बताया था, ये 30 है, ये एक्स, ये 2x और ये अपने पास हो गया 90 डिग्री। इसके द्वारा अगर ये कोण 90 डिग्री है तो इसके द्वारा सेम आर्क द्वारा क्या यहां पर बना कोण भी 90 डिग्री होगा क्या? एक ही आर्क द्वारा सरकमफ्रेंस पर बने एंगल, एक ही आर्क द्वारा सरकमफ्रेंस पर बने एंगल 90 डिग्री, ये इधर 90 है तो ये भी, ये 90 है तो इधर वाला कोण जो बचा अपने पास टोटल ये 90 है, तो इधर वाला भी बचा 90 डिग्री। ये पूछा बी एफ सी का मान बताओ, तो आंसर आ गया 90 डिग्री। बहुत अच्छा क्वेश्चन है, दो या तीन बार आप लोग देखिए, स्क्रीनशॉट भी ले सकते हो, बहुत स्टैंडर्ड का, बहुत अच्छे लेवल के, ऊपर के लेवल का क्वेश्चन है। 15 नंबर जो क्वेश्चन है वो थ्योरी में मैं करवा चुका हूँ, उसको आप लोग अपने आप कीजिए, नहीं आए तो मुझसे पूछ लेना, कभी मैं आपको समझा दूंगा। बहुत देर होगी आज पढ़ाते पढ़ाते, तो जो क्वेश्चंस आपको मिले हैं उनको आप लोग शेयर करते रहिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, ताकि आपको मैं अच्छे अच्छे क्वेश्चंस करवा चुकूँ। आज की क्लास में सिर्फ इतना ही, ओके, थैंक यू, बाय बाय, अगली क्लास में मिलते हैं कल शाम को।